नहीं, कई सीटों पे हम नहीं जीत पाए और निश्चित रूप से जहां जीते हैं वहां की भी हम समीक्षा करेंगे और जहां नहीं जीत पाए वहां भी समीक्षा करेंगे कि हमको क्यों नहीं लोगों का समर्थन मिल पाया। नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, वहीं उन्होंने कहा है कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के सामाजिक न्याय पखवाड़ा जो कार्यक्रम का जो 15 दिनों तक चलेगा, तो पहले ये सुनिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कहा। मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार। आप सब लोगों को याद है कि कल 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त कार्यकर्ताओं को कल संबोधित किया था और उसी क्रम में यह निर्णय पार्टी का हुआ है कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा अगले 15 दिनों तक मनाया जाएगा और प्रतिदिन एक विशेष कार्य के लिए विशेष विभाग का उस संदर्भ में मीडिया के मित्रों के साथ जानकारी साझा की जाएगी और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसी के तहत आज पहला दिन है और आज के पहले दिन यह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लेके ये पखवाड़ा शुरू हुआ है। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि आज आयुष्मान भारत पखवाड़ा की जो शुरुआत हो रही है, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके तहत पटना में आज एक बड़ा कार्यक्रम इस सामाजिक न्याय पखवाड़ा को लेकर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर जो कंकड़बाग में है उसमें हुआ और 1500 से अधिक दिव्यांग जन बच्चों का स्वास्थ्य जांच भी वहां हुआ है और बच्चे और बेहतर कर सके दिव्यांगजन बच्चे उसके लिए पूरा आज दिन भर वहाँ उन सभी लोगों का मेगा हेल्थ कैंप लगा है। और इसी के तहत आप मीडिया के मित्रों को यह भी बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान भारत योजना है, नहीं देखिए पहले हम लोगों ने सीटें भी ज़्यादा लड़ी थी पीछे के चुनाव में और इस बार गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और 24 सीटों पे हम सब लोग एनडीए के गठबंधन के रूप में लड़े हैं और अभी तक जो चुनाव के परिणाम आए हैं और जो परिणाम दिख रहे हैं वो बहुत साफ तौर पे दिख रहा है कि हम 13 सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं और जो प्रतिपक्ष है वह 6 सीटों पे सिमट रहा। तो 24 सीटों के परिणाम में परिणाम बहुत सामने है कि जो आज प्रतिपक्ष है मूल रूप से वो 6 सीटों पे सिमट रहा। नहीं, कई सीटों पे हम नहीं जीत पाए और निश्चित रूप से जहां जीते हैं वहां की भी हम समीक्षा करेंगे और जहां नहीं जीत पाए वहां भी समीक्षा करेंगे कि हमको क्यों नहीं लोगों का समर्थन मिल पाया। को अभी 7 मार्च से फिर हम सब लोगों ने शुरू किया है और 3 भाग में उस कार्यक्रम को हम सब लोग करेंगे। अभी जो बच्चे बच जाएंगे उनको फाइनली मई के महीने में फिर उनका टीकाकरण का अभियान हम सब लोग चलाएंगे। तो ये जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा आज से शुरुआत हुआ है जिसके तहत आज स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए कार्यों की शुरुआत और लोगों को जानकारी देनी थी, वह जानकारी आप सब लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को अभी हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है। बिहार में विधान परिषद के चुनाव भी अभी हाल में संपन्न हुए हैं और विधान परिषद का जो चुनाव संपन्न हुआ है
उसका परिणाम आज आया है और मैं राज्य के अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति एनडीए की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन सब लोगों ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है और बहुमत से सीटों को एनडीए के पक्ष में जिताने का काम किया है। और अभी तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसमें एनडीए ने बढ़त बनाया हुआ है और जो जिन सीटों पर बढ़त की जानकारी मिली उन सीटों पर भी यदि परिणाम के रूप में हम देखते हैं तो एनडीए को एक अच्छी जीत त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने दिलाया है। मैं अपने सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही इस चुनाव में जो हमारे एनडीए के सभी प्रत्याशी जीते हैं उन सभी प्रत्याशियों को अपनी ओर से विशेष शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को अपने एनडीए के नेतृत्व की ओर से भी बधाई देना चाहता हूं, सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण राज्य की सभी सीटों पर परिश्रम किया और जिसका परिणाम हुआ कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, आरएलजेपी ये सभी पार्टियां चुनाव जीती हैं और इसके अलावा भी जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उन सभी लोगों को भी हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोगों ने जो राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को चुनाव में जो भरोसा दिलाया था कि पहले भी हम सब लोग पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से विकास का कार्य करते रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूती दिलाने का काम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक बार फिर से सभी प्रतिनिधियों को, पंचायत राज के प्रतिनिधियों को यह बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस भरोसा और विश्वास के साथ आप सब लोगों ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है, आगे भी एनडीए की सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हुए गांधी जी के सपनों को जमीन पर साकार करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए काम करती रहेगी। मैं अपने सभी एनडीए के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना दिवस था जिसपे उपलक्ष में 15 दिनों तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा का कार्यक्रम किया जाएगा आयुष्मान भारत के तहत, वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो एनडीए उम्मीदवार जो बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के जो उम्मीदवार जीते हैं उनको जीत की शुभकामनाएं भी दी है। ऐसे फिलहाल खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए 4 पिलर लाइव से। मैं अनुज कुमार।